अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। अभी सर ने अब क्या हमें ये तो अभी बताया नहीं है, हमारे सर जो गए थे उनके द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वही चीजें। आपका परिचय? मेरा पूजा राजपूत नाम है, मैं स्वास्थ्य सेवा विभाग में काम करती हूँ। गए हम लोग घर गृहस्थ हमारी चला नहीं पा रहे हैं, हमारे हस्बैंड वगैरह पति वगैरह सब परेशान कर रहे हैं कि आप लोग पेमेंट दो, पर ना देते। कमिश्नर सर के पास गए हम नगर निगम, वहाँ से भी हमको बोला कि आप लोग ठेकेदारी के इंसान हो, जाइए आपके ठेकेदार से बात करो, ठेकेदारी से उनसे बात करो, बोले आने की जरूरत नहीं। कमिश्नर तो हमारी पेमेंट देगा कौन? ठेकेदार कौन है आपका? आशू सर करके नाम है उनका। कितने महीने की पेमेंट नहीं मिली आपको? 5 महीने से नहीं मिली है। कौन से विभाग में कार्य करते हैं आप लोग? प्रतिमा कितना वेतन मिलता है आपको? हमारी 7,000 मिलती है सर। और 5 महीने से वेतन? 5 महीने से वेतन नहीं है। अभी आप कलेक्टर ऑफिस पहुँचे, क्या कुछ बताया गया? अभी सर ने अब क्या हमें ये तो अभी बताया नहीं है, हमारे सर जो गए थे उनके द्वारा जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वही चीजें। आपका परिचय? मेरा पूजा राजपूत नाम है, मैं स्वास्थ्य सेवा विभाग में काम करती हूँ। मुझे क्या कुछ समस्या को लेकर पहुंचे और क्या कुछ विषय? हाँ, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन से लगातार पिछले 5 वर्षों से आउटसोर्स के अंतर्गत कर्मचारियों का कार्य चल रहा है, जिसमें कचरा संग्रहण, पृथकीकरण और जन जन जागरूकता का कार्य कर्मचारी द्वारा किया जाता था, लेकिन विगत 4 से 5 माह से किसी भी प्रकार का कोई वेतन इनको नहीं दिया गया है। अभी जो दिवाली त्यौहार और सारे जो त्यौहार निकले थे उन पर भी किसी प्रकार कोई वेतन नहीं दिया गया है, जिससे इनके जो भरण पोषण करने में इनको अत्यंत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से चूंकि ये इतने सक्षम नहीं है कि अपना परिवार बेहतर तरीके से चला पाएँ, और 5 महीने से अगर इनको वेतन नहीं दिया जाएगा तो इनकी स्थिति आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो चुकी है, और किसी प्रकार का अगर कोई अभी कलेक्टर साहब को अपना आवेदन दिया है, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ, उनके द्वारा बोला गया कि जो भी आवेदन था उसको उन्होंने जो कमिश्नर सर हैं उनको यहाँ से भेज दिया गया, लेकिन हमने उनको जानकारी दी कि कमिश्नर सर को पूर्व में हमने सारी चीज़ों से पहले ही अवगत करा दिया गया था। कितने कर्मचारियों का वेतन रुका है?
ये तकरीबन 130-150 कर्मचारी ठेकेदार है, कहाँ का है? हाँ, ये पटियाला पंजाब के हैं जिनके द्वारा यहाँ पर कार्य रहता है। कौन से विभाग के कर्मचारी हैं? स्वच्छ भारत मिशन से हैं, आईसी और हेल्पर हैं, जो कचरा वाहन पे हेल्प कर रहे हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि आपके खाते में पैसा आ गया, इनको मिले नहीं है। नहीं, ऐसा कहना पड़ रहा है। ये तो वो संबंधित जो ठेकेदार है वहाँ से ऐसे आश्वासन दिए जाते हैं, गलत, पूरी तरीके से गलत आश्वासन है। किसी प्रकार का कोई पैसा किसी के द्वारा नहीं दिया गया है, और ये नगर निगम खाते में डाल गया है। ये नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को भी जानकारी है और जो संबंधित ठेकेदार उनको भी जानकारी है। नहीं, जो ठेकेदार है वो आपके खाते में पैसे डाल रहा है ऐसा बता रहे हैं लोग? नहीं, पूरी तरीके से ये मिथ्या है और किसी प्रकार के इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दे नहीं रहे आप बोले? नहीं, ये भी डला नहीं है इन लोगों का ऐसा? नहीं, किसी भी प्रकार का ये सारी चीजें, अगर इस प्रकार होता तो हम स्वयं यहाँ आवेदन देने के लिए नहीं आते। आपका परिचय? मैं अरुण तोमर, स्वच्छ भारत मिशन, नगर निगम पालक।